पिछले कुछ दिनों से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि एनसीपी नेता अजीत पवार बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के पहले जब विपक्ष एकजुटता का नारा दे रहा है, उस बीच ऐसी खबरें विपक्ष के लिए खतरा बन सकती हैं। लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। बीजेपी में शामिल होने की खबरों को लेकर अब खुद अजीत पवार का बयान सामने आया है। उन्होंने पार्टी छोड़ने की सभी खबरों को केवल एक अफवाह बताया है। उन्होंने कहा जो खबर दिखाई जा रही है उसमें कोई तथ्य नहीं है। उन्होंने किसी विधायक का साइन नहीं लिया है, सभी एनसीपी में हैं और आगे भी रहेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। कुछ विधायक अपने क्षेत्र या अपने काम के लिए मिलने आते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी वजह से आए हैं। महाराष्ट्र में चल रहे सियासी घमासान के बीच उद्धव गुट वाली शिवसेना के नेता संजय राउत की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। अजीत पवार के एनडीए गठबंधन में शामिल होने की खबरों पर राउत ने कहा कि एनसीपी के 20 से 25 विधायकों के जाने से पार्टी नहीं टूटती है, जिन्होंने केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि ईडी या सीबीआई के जरिए एनसीपी नेताओं पर भी दबाव बनाया जा रहा है। वहीं एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने भी अजीत पवार के बारे में आ रही खबरों पर बयान दिया है। उन्होंने कहा ये बातें मीडिया की देन है, हमारे दिमाग में नहीं है, मैं मुंबई जा रहा हूं, हम पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई और विचार नहीं है। सभी नेताओं की तरह अजीत पवार भी चुनाव में व्यस्त हैं और कुछ नहीं। शरद पवार ने भी कहा कि कुछ लोग सिर्फ खबर बना रहे हैं, इसके अलावा इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। जो चर्चा आपके मन में है हम में से किसी के मन में नहीं है, इसीलिए इसका कोई महत्व नहीं है। मैं एनसीपी के बारे में कह सकता हूं कि इस पार्टी में काम करने वाले सभी नेता एक विचार से पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए सिर्फ इसके लिए काम कर रहे हैं। ऐसा सुनने में आया कि विधायकों की बैठक है, ये बात बिल्कुल झूठी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल अपने चुनाव क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अजीत पवार भी काम में व्यस्त हैं, मैं यहाँ हूँ, इसके अलावा बैठक बुलाने का किसी का अधिकार नहीं है। खैर, इससे पहले सुप्रिया सूले ने ये दावा किया था कि अगले 15 दिनों में दो राजनीतिक विस्फोट होने वाले हैं। सुप्रिया ने कहा था कि एक विस्फोट दिल्ली में होगा तो दूसरा विस्फोट महाराष्ट्र में होगा। सुप्रिया का ये बयान ऐसे समय में आया था जब नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही थी। खैर, आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमारे साथ कॉमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। देखते रहे एबीपी लाइव।